हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ यूनिट 1 फॉर सेमेस्टर 4 एंड टुडेज टॉपिक इज़ लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इन प्रीवियस लेक्चर वीडियो यू हैव स्टडीड अबाउट पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपनी टू क्राउन एंड सेकेंड वन वॉज लॉर्ड कैनिंग एज अ वॉइसराय। इन दिस लेक्चर वीडियो यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिविटीज़ विच हैव डन इन टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड जॉन लॉरेंस एंड the most important policy of British towards Afghanistan, masterly inactivity. Okay, but before going to study about it, I'm just going to introduce you with Lord John Lawrence. Okay, so इस लेक्चर वीडियो में आप पहले तो ये देखेंगे कि उनका टाइम पीरियड क्या था, किस तरह से लॉर्ड लॉरेंस यहाँ पे आते हैं और उन्होंने किस तरह वेरियस पोस्ट जो अचीव किया, यहाँ पे उन्होंने काम किया एंड उसके बाद किस तरह से वो एज अ वॉइसराय इंडिया में काम करते हैं। लॉर्ड जॉन लॉरेंस सर्व्ड एज गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1864 टू 1869। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन टू गेट योर पॉइंट फर्स्ट आंसर। अगर कोई आपसे पूछता है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड क्या था सर जॉन लॉर्ड लॉरेंस का, तो क्या टाइम पीरियड है? 1864 टू 1869, यही पहला देखिए क्वेश्चन आपका बन जाता है एमसीक्यूज़ में। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ देखिए पॉइंट दे रखा है, इसमें आपको उनके टाइम पीरियड के मेनली जो वर्क हुए थे, जो चीज़ें हुई थी उसको आप देख सकते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके वर्क टेन्योर में? ग्रेट फेमाइन ऑफ उड़ीसा, राजपूताना एंड बुंदेलखंड। उड़ीसा, राजपूताना और बुंदेलखंड के जो अकाल थे उनके बारे में। फिर अकाल आयोग यानी फेमाइन कमीशन। ओपनिंग अ टेलीग्राफिक लाइन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, फर्स्ट टाइम यूरोप एंड इंडिया के बीच में टेलीग्राफिक लाइन बनाई गई थी। एंड इनेक्टमेंट ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट। पंजाब टेनेंसी एक्ट जो बना था उसको इनेक्ट किया गया, मतलब कब वो शुरू किया गया था, इन्हीं के टाइम पीरियड में। एंड वार विद भूटान, भूटान के साथ वार, एंड जिसके बारे में मैंने अभी आपको शुरुआत के ही समय में बता दिया, ग्रेट पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी विद अफगानिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मास्टरली इनएक्टिविटी तो क्या है, और इसके पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्क हुआ था जिसके टाइम पीरियड में, वो लॉर्ड लॉरेंस कौन थे, थोड़ा इंट्रोडक्शन उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड लॉरेंस कि उनका बचपन कैसे बीता, पर चूँकि रिलेट करना होता है क्लास में इन सब्जेक्ट्स के साथ स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा अगर किसी पर्सन के बारे में आपको जानकारी है, उनका इंट्रोडक्शन है, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर ऑन योर स्क्रीन दैट लॉरेंस वॉज बोर्न इन रिकमंड नॉर्थ राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर, और वह यॉर्कशायर में थे और सबसे छोटे बेटे थे अपने घर के, जो कि अल्स्टर स्कॉट फैमिली थी उनकी। उनकी मदर लेटिटिया जो थी वो काउंटी डंगल से बिलोंग करती थी और उनके फादर जो थे वो काउंटी लंदन डेरी के थे। ओके, तो जो लॉरेंस थे उन्होंने शुरुआत के जो अपने टाइम पीरियड थी, अर्ली ईयर्स जो थी वो डेरी में उन्होंने बिताया था, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड का एक प्रोविंस था, अल्स्टर का प्रोविंस था और छोटा सा सिटी था अल्स्टर प्रोविंस का, अल्स्टर प्रांत का। ओके, एंड वॉज एजुकेटेड एट फॉयल कॉलेज एंड रैक्सल स्कूल इन बाथ। ये उनकी स्कूलिंग यहाँ पे हुई थी। और उनके पिता और भाई, जो दो भाई थे, उनके एल्डर ब्रदर जो थे वो सर जॉर्ज लॉरेंस एंड दूसरे ब्रदर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वर्क किया हुआ था। जब लॉरेंस अपनी उम्र के 16वें साल में होते हैं, 16 ईयर्स के होते हैं, तो उनके फादर ने अपने और अपने दोनों बेटों की तरह उनको आर्मी में भेजने से ज़्यादा अच्छा समझा कि उनको सिविल सर्विस में भेजा जाए, ताकि वो एक अच्छी लाइफ बना सके, अच्छा कैरियर बना सके। तो उनको क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में उनको इनरोल करा दिया, एंड हेलबरी में जो था, और उसके बाद सिविल सर्विस के कैरियर के लिए उनकी यहाँ से रुझान शुरू होती है। हेलबरी में 2 साल वो रहते हैं और उसके बाद उनको प्राइज़ मिलता है स्टडी में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड बंगाली में। देखिए यहाँ पे क्या है, वो ब्रिटिशर्स थे लेकिन उनको बंगाली में भी प्राइज़ मिलता। और ये क्यों था थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। लास्ट लेक्चर वीडियो में आपने क्या पढ़ा था कि सिविल सर्विस में अगर कोई पर्सन
बैठना चाहता है तो उसके लिए यह एलिजिबिलिटी रहेगी कि उसे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में उसको क्रैक करना होगा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज उसको सीखना होगा, उस पर उसके एग्ज़ाम जो होंगे उसको क्रैक करना होंगे। क्यों? सो दैट कि वो स्थानीय लोगों से, जो आसपास के लोगों जहाँ वो सिविल सर्वेंट के रूप में जाता है, तो वहाँ वो अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर सके, अपनी बातें समझा सके या फिर उनके बीच लोकप्रियता हासिल कर सके। लॉरेंस एंटर्ड द बंगाल सिविल सर्विस एंड इन सेप्टेम्बर 1829 ही सेट सेल फॉर इंडिया विद हिज ब्रदर हेनरी। और जब वो इंडिया आते हैं, वो सेप्टेम्बर 1829 में चलते हैं इंडिया के लिए, और जब आते हैं तो वो फोर्ट विलियम में ठहरते। फोर्ट विलियम नाम आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी सुना है। एंड उन्होंने लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज में एग्ज़ाम पास करने की उनकी जो उम्मीद थी, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुली उन सब चीज़ों में डन करते हैं, उसके बाद वो सक्सेस प्राप्त करते हैं किसमें? पर्शियन एंड उर्दू में, मास्टर्ड पर्शियन एंड उर्दू में भी उनको मास्टर डिग्री मिलती है। लॉरेंस फर्स्ट जॉब वॉज एज अ मजिस्ट्रेट एंड टैक्स कलेक्टर इन दिल्ली। दिल्ली में लॉरेंस का पहला जॉब होता है। ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं? ये सारी घटनाएं हो रही हैं लॉरेंस के एज अ गवर्नर जनरल एंड वायसराय बनने के पहले। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लाइन में देख लिया कि उनका टाइम पीरियड क्या है। उनका टाइम पीरियड तो 1864 के बाद था, तो उसके पहले की घटनाएं जो हैं वो आप देख रहे हैं। तो 1829 में जो बैठते हैं वो परीक्षा में, और उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग कहाँ है? उनकी पहली पोस्टिंग है दिल्ली में। किस पोस्ट पे है? मजिस्ट्रेट एंड टैक्स कलेक्टर। चार साल दिल्ली में बिताने के बाद उनका ट्रांसफ़र कहाँ होता है? ही वॉज ट्रांसफर्ड टू पानीपत एंड टू ईयर्स हैंस वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। दो साल के लिए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी वो प्लेस्ड होते हैं। In 1837, लॉरेंस was made a settlement officer at Itawa. इटावा में उनको 1837 में सेटलमेंट ऑफिसर के तौर पे पोस्ट मिलता है। जब वो इटावा में थे तो उनको जंगल फीवर हुआ था और बहुत ही हालत ख़राब थी, मौत के नज़दीक थी। और जब कलकत्ता में भी उन्होंने 3 महीना गुजारा और फिर भी वो नहीं सही हो सके, तो वो लंदन लौटते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जो बाद में चलकर उनकी वाइफ बनती हैं 1841 में। 1840 में वो लंदन लौटते हैं और 41 में उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद 6 महीने वो अपनी वाइफ हैरिट के साथ यूरोप की यात्रा करते हैं। और उसके बाद उनको एक खबर मिलती है, पहला एंग्लो अफगान वार, और वो लौटते हैं इंग्लैंड। एंड फिर शरद ऋतु में, यानी ऑटम में 1842 में वो लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? वो इंडिया। ओके, अब आगे देखते हैं कि जब वो इंडिया लौटते हैं तो क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड अ सिविल एंड सेशन जज। जब वो इंडिया लौटते हैं तो फिर से देखिए उनकी पोस्टिंग हो रही है। सेकेंड पोस्टिंग कहाँ हो रही है? एज अ सिविल एंड सेशन जज इन दिल्ली। दिल्ली में वो पोस्टेड होते हैं एंड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर करनाल। करनाल के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन 1845 एंड 1846, उसी समय जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 to 1846 में, देखिए इसको आप रिमार्क कर लीजिएगा, हेनरी हार्डिंग्स जो थे उन्होंने आर्डर भेजा लॉरेंस को कि असिस्ट करे, जो आर्मी फोर्स है उसको असिस्ट करे। और इस वर्क में लॉर्ड लॉरेंस ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। आर्मी को जो भी ज़रूरतें थी उसको पूरी करने में, उनको जो भी सप्लाई चाहिए थी आर्मी को उसको पूरा करने में लॉरेंस की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लॉर्ड लॉरेंस के क्या क्या वर्क थे जब वो इंडिया में लौटते हैं, तो कौन कौन से वो वर्क यहाँ पे करते हैं। ये मैंने पहले पॉइंट्स में दे रखा है, इनफैक्ट मैं उसको ब्रीफ करूँगी। फर्स्ट देखिए क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन पंजाब। सेकंड, पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, द पॉलिसी ऑफ मास्टरली नेगेटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भूटान वॉर 1864 to 1865, ओडिशा फेमाइन 1866 एंड अदर इवेंट्स ड्यूरिंग लॉर्ड लॉरेंस टाइम। फर्स्ट क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन पंजाब। लॉर्ड जॉन लॉरेंस वॉज नॉट अ न्यू फेस इन इंडिया। नया फेस तो थे नहीं, पहले भी आ चुके थे। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम भी क्रैक किया, यहीं पर उन्होंने वर्क किया, इन्होंने पहली जॉब यहीं पाई।
ही हैड ब्रिलियंटली ऑर्गेनाइज द सप्लाई ऑफ ब्रिटिश आर्मी। बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने अपना वर्क किया था, बहुत ही ब्रेवरी दिखाई थी, उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था इन पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845 to 1846। बहुत ही अच्छे से अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद उनको जालंधर में कमिश्नर बना दिया गया। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है। इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है तो उनको क्या अपॉइंट, कौन से पोस्ट पे अपॉइंटेड होते हैं, वो पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर वो जूनियर किसके होते हैं, अपने ही भाई सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस के। ओके, अपने ही भाई के अंडर में वो जूनियर बनते हैं। सम रिफॉर्म्स सच एज अबॉलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन करेंसी एंड पोस्टल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मेड हिम पॉपुलर एंड ही वॉज बाई सम पीपल कॉल्ड द सेवियर ऑफ द पंजाब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कुछ है कि पंजाब के लिए उन्होंने कुछ वर्क किए थे जिसमें कि इंटरनल ड्यूटी को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था, जो आंतरिक कर थे उनको, टैक्सेस को उन्होंने ख़त्म किया था। फिर उसके बाद कॉमन करेंसी जो पंजाब की थी उसको उन्होंने व्यवस्थित किया था। पोस्टल सिस्टम को उन्होंने, यहाँ देखिए कॉमन करेंसी जो शब्द है ना, ये पहली बार रुपये का प्रचलन होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, रुपए का प्रचलन इन्होंने कराया था। एंड पोस्टल सिस्टम जो डाक सिस्टम है उसका उन्होंने शुरू कराया। फिर डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पंजाबी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से इन्होंने डेवलप कराया। एंड फिर कुछ लोग उनको सेवियर ऑफ द पंजाब, पंजाब का रक्षक माने जाते थे क्योंकि उन्होंने पंजाब के लिए बहुत सारे वर्क किए थे। ही वॉज partially able to prevent the Sikh enter into mutiny due to his popular image and the general Sikh detest towards the Mughal. Okay, तो थोड़े से उन्होंने he was partly able to prevent the Sikh enter into mutiny, और उन्होंने इस जो mutiny हुआ था इसके लिए भी इनकी भूमिका थी कि ये prevent कर सकते थे, थोड़ा इनके आंशिक रूप से इनके अधिकार में था। ठीक है, While appointed at Punjab, Lawrence had made an agreement with the Afghan leader Dost Muhammad Khan. देखिए अब जो टॉपिक आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जब वो पंजाब में अपॉइंटेड थे तो लॉरेंस की मुलाकात होती है, एक समझौता होता है किसके साथ, अफगानी लीडर, अफगान के जो नेता थे दोस्त मोहम्मद खान। ओके, ये दोस्त आप फ्रेंड मत समझ लीजिएगा, दोस्त मोहम्मद खान ये नेम है। But during his tenure as Viceroy, he adopted a conscious policy and avoided the conflicts with the Afghans and Persian. बहुत important ये देखिए, जब वो पंजाब में थे तो उनकी जो मुलाकात हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था दोस्त मोहम्मद के साथ, लेकिन जब वो वाइसराय बनते हैं तो चूंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, देखिए इंडिया में एज अ वाइसराय इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी और उन्होंने क्या किया कि सतर्कता की नीति अपनाई और अवॉइड किया कि जो अफगान और पर्शियन, इनके बीच के जो मसले हैं, जो झगड़े हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहा जाए। ओके, तो अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी है उसे हम देखेंगे, और ये टाइम पीरियड ये कब का था, जब वो वाइसराय बने थे। ओके, पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान, द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। लॉर्ड लॉरेंस वॉज कॉशियस इन डीलिंग विद द अफगानिस्तान एंड पर्सिया। बहुत कॉशियस थे, बहुत सतर्क थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के मामले में, आंतरिक मामले में वो कोई इंटरफेयर करें एंड फिर वैश्विक रूप से उनके समय में कोई दिक्कत इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड के लोगों को भारत में, यहाँ पर उनके टाइम पीरियड में हो। On the death of Dost Muhammad on June 9, 1863, Sher Ali, the third son and acknowledged heir of Dost, was recognized as Amir of Afghanistan by Lawrence and his son Muhammad Ali as her apparent. Okay, जब 9 June 1863 में डेथ होती है दोस्त मोहम्मद की, तो उनके तीसरे बेटे जिसको कि उत्तराधिकारी माना गया था दोस्त मोहम्मद का, उसको
अमीर, जो एक पोस्ट मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, दिस इज़ द पोस्ट ओके, अफगानिस्तान का अमीर माना जाता है। लॉरेंस उसको स्वीकार करता है कि अब ये अपने पिता के उत्तराधिकार में एक अमीर की भूमिका में है, एंड जो मोहम्मद अली उनके जो बेटे थे मोहम्मद अली, वो उनके जो युवराज की तरह माने जाएंगे। बट देन देयर वॉज अ लॉन्ग सिविल वॉर इन अफगानिस्तान इन विच टू ओल्डर सन ऑफ द दोस्त मोहम्मद दोस्त अफजल एंड अंजुम, ठीक है, ऑब्टेंड पोजिशन ऑफ मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड वर पार्शली रिकोगनाइज एज अ डी फैक्टो रूलर्स बाई लॉरेंस, हु एट द सेम टाइम रिफ्यूज टू विदड्रॉ द रिकोगनाइजेशन फ्रॉम शेर अली। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। तो जब सिविल वॉर शुरू होता है अफगानिस्तान में, जिसमें कि दोस्त मोहम्मद के दो बड़े बेटे अफजल एंड अंजुम, जिनको ऑप्टेन किया जाता है पोजीशन ऑफ मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड वर पार्शली रिकॉग्नाइज्ड एज डी फैक्टो का यहाँ मतलब मैं आपको बता दूँ, ये माना जाता है कि वो रूलर जो वास्तविक नहीं है लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि उन्हें वास्तविक राजा माना जा रहा है, ठीक है, वो वास्तविक शासक नहीं है लेकिन उनको वास्तविक राजा माना जा रहा है। लेकिन शेर अली जो है वो विड्रॉज हिज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम शेर अली, वो दोनों लोगों में होता है कि हु एट द सेम टाइम रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ हिज रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम शेर अली। उसको लॉरेंस के द्वारा भी डी फैक्टो रूलर माना जाता है लेकिन शेर अली इस चीज़ से इनकार कर देता है। द लेटर सून won his way back to power and in 1869 was able to notify Lawrence that he was once more in complete control. Lawrence's policy had been that we'll leave the Afghans to settle their own quarrels and that we are willing to be on terms of army and goodwill with the nation and with their rulers de facto. This is known as policy of masterly inactivity. ये दोनों पक्ष में जब इस तरह की कन्फ्लिक्ट थी, तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो दो तरह से थी, पहली अग्रगामी विचारधारा जो कि फॉरवर्ड पॉलिसी थी एंड सेकंड मास्टरली इनएक्टिविटी, दूसरी क्या थी कुशल अकर्मण्यता, इसे कहते कपटपूर्ण नीति। तो यहाँ पर उन्होंने क्या ये अपनाया, देखिए कि लेट देम लीव किसके साथ, उनके अपने मैटर के साथ उनको छोड़ दो, ठीक है, उनको अपने झगड़े के साथ उनको छोड़ दो, एंड ये जो है ये किसके फ़ायदे में है, ये ब्रिटिश आर्मी के फ़ायदे में, ब्रिटिश के फ़ायदे में है। तो कुशल अकर्मण्यता कि जब उन्होंने पहले कहीं बातें अपनी रखी हैं, किसी के साथ आपकी विचार हैं, जब कोई पॉलिसीज़ पे आप पहले से काम करें, लेकिन बाद में आप कहाँ जा रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, और आपने अफ़गानिस्तान को उसकी इंटरनल पॉलिसी में खुद से झगड़े सुलझाने के लिए छोड़ दिया है। तो ये आपने क्या किया, आप अकर्मण्यता यानी इनएक्टिवेट, मतलब आपने एक्टिविटी नहीं दिखाई, आप वहाँ पे अकर्मण्यता की नीति अपना रहे हैं, जिसे कपटपूर्ण नीति भी कहा गया है। अकुशल कुशल अकर्मण्यता, मास्टरली इनएक्टिविटी एंड कपटपूर्ण नीति, यही थी इनके अफगानिस्तान के मामले में कि उनको भाई अपना मामला सुलझाने दो, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे जो कि हमारी गुडविल के लिए होगी, देश के गुडविल के लिए होगी, और जो रूलर्स हैं वो वास्तविक संस्थापक डिफैक्टो से चुने जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भूटान वॉर 1864-65। द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद भूटान इन 1826 में उनका सामना, इनका संबंध जो है, संपर्क जो होता है भूटान के साथ होता है। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू ऑक्यूपाइड हिली रूट्स बिकॉज द भूटानीज वर राइडिंग बंगाल एंड आसाम थ्रू दीज रूट्स। जो ब्रिटिश लोग थे वो सोचते थे कि ऑक्यूपाई करें जो पहाड़ी एरिया है, जो माउंटेन का एरिया था, जो रास्ते होते हैं पहाड़ी रास्ते, क्योंकि जो भूटान थे वो बंगाल एंड आसाम की तरफ इसी रूट से वो हमले करते थे। टू स्टार्ट द नेगोशिएशन लॉर्ड एल्गिन एंड सेंट एशले हैड सेंट एशले, इसमें शुरुआत में जब वार्तालाप के लिए मैं नेगोशिएट करने के लिए समझौते के लिए लॉर्ड एल्गिन ने किसको भेजा, एशले को, बट द भूटानीज फोर्स्ड हिम टू साइन अ हमलीगेशन ट्रीटी वेयर बाय द ब्रिटिश वर टू सरेंडर डॉर्स ऑफ टू द भूटान। लॉर्ड एल्गिन ने भेजा था एशले को, लेकिन जो भूटानी थी उन्होंने फोर्सफुली
एक संधि पर समझौता करने के लिए, डोर्स की संधि पर समझौता करने के लिए और डोर्स को सौंपने के लिए, जो जगह थी उसको सौंपने के लिए भूटानियों ने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया था। व्हेन दिस वॉज नोन एज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इमीडिएटली रिपीटेड द ट्रीटी एंड सेंट एन आर्मी अगेंस्ट भूटान। जब ये बात पता चलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जब अंग्रेजी सरकार को ये पता चलती है, तो उन्होंने तुरंत इस संधि के बाद एक ब्रिटिश आर्मी को भूटान भेजा था। द ब्रिटिश आर्मी रिसीव सम सेटबैक इन द बिगनिंग बट लेटर द ब्रिटिश वॉर और डोअर वॉर एंडेड इन द डिफीट ऑफ द भूटानीज आर्मी। शुरुआत में भूटान जो है वो थोड़ा सबल पड़ता है, लेकिन एंड में भूटान को सरेंडर करना पड़ता है। जो डोअर वॉर होता है, जो भूटान वॉर इसको बोलते हैं, ये ख़त्म होता है और उसके बाद इस युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, ट्रीटी ऑफ सेंचुला यानी कि सेंचुला की जो संधि होती है, इसके बाद ये वार खत्म होता है और इस संधि पर साइन होता है 11th नवंबर 1865 में। इस संधि पर सिग्नेचर होता है। भूटान के टेरिटरीज इन द आसाम डोर्स एंड बंगाल डोर्स एज वेल एज अराउंड 80,000 किलोमीटर्स ऑफ देवनागरी यानी कि जो देवथांग था, तो ब्रिटिश इन रिटर्न फॉर एन एनुअल सब्सिडी ऑफ 50,000 रुपीज़ की सब्सिडी में क्या हो रहा है कि 80,000 किलोमीटर का जो देवोत्थान देवनागरी थी वो ब्रिटिश को, और रिटर्न में क्या है कि एनुअल सब्सिडी पाते हैं 50,000 रुपीज़ की। अब ग्रेट ओडिशा फेमाइन को देख लेते हैं। 1866 में ये ऑकर हुआ था। द ओडिशा फेमाइन ऑफ 1866 फॉलोड अ सीवियर ड्रॉथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द राइस क्रॉप। बहुत ही बुरा अकाल पड़ा था, बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था और पूरी जो चावल की खेती थी वो बर्बाद हो गई थी। गवर्नमेंट ने जो द गवर्नमेंट इम्पोर्टेड राइस बट इट रीच्ड ओनली व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल सर्व टू स्ट्रेप टू डेथ। गवर्नमेंट को ये बातें जब तक पता लगती हैं, आप जानते हैं आमतौर पर जो सरकारी वर्क होते हैं ये आम जनता तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी रहती है, तो गवर्नमेंट ने भी राइस को इंपोर्ट किया था, बाहर से मंगवाया था, लेकिन तब तक भूख से बेहाल कई लोग जो थे वो मर चुके थे। ओके, लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। दिस एक्सपोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द फेमाइन सिचुएशन इन उड़ीसा रिजल्टेड इन अ फियरफुल लॉस ऑफ लाइफ। और ये जो था ये सरकार की अकुशलता को दिखा रहा था कि सरकार किसी ऐसे भयानक मामले को संभालने में अकुशल रही है। द फेमाइन वॉज फॉलोड बाई डिवोस्टिंग फ्लड्स। अब क्या है कि सूखा पड़ा, अकाल पड़ा और उसके बाद भयानक बाढ़ भी आया। ओके, सूखा पड़ता है और उसके बाद बाढ़ आता है। द फेमाइन वॉज फ्लॉड क्लेम्ड लाइफ ऑफ अराउंड 40 to 50 lakh पीपल इन 2 years। तो ये जो घटनाएं प्राकृतिक आपदा, इसको आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदा आई थी, इसमें 2 साल में 40 to 50 lakh लोगों की डेथ हुई थी, मेनली ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा एंड मलेरिया। देखिए, जब सूखा और उसके बाद जब बाढ़ आता है, तो बाढ़ के बाद ये कॉलेरा एंड मलेरिया की स्थिति क्यों होती है, क्योंकि बाढ़ के बाद जब पानी सूखने लगता है तो कई जगह मिट्टी कीचड़ और गंदगी की वजह से मच्छरों और बहुत की जो कीड़े और ये काफ़ी जो गंदगी होती है, इसकी वजह से कॉलेरा एंड मलेरिया दोनों के फैलने का खतरा बहुत रहता है। तो उस समय भी यही हुआ था कि पहले अकाल, फिर उसके बाद बाढ़ और बाढ़ के बाद फैली गंदगी से कॉलेरा एंड मलेरिया, और इससे 2 सालों में बहुत सारे लोग मरे थे। अ सिमिलर काइंड ऑफ फेमाइन अफेक्टेड बुंदेलखंड एंड राजपूताना आल्सो। और इसी तरीके की जो सूखा थे, जो अकाल थे, वो कहाँ पड़ा था, बुंदेलखंड एंड राजपूताना में भी। द गवर्नमेंट इस्टाब्लिश द फेमाइन कमीशन अंडर हेनरी कैम्बल। और इसके लिए, इन चीज़ों से उबरने के लिए, जो गवर्नमेंट थी, सरकार जो थी, उन्होंने एक अकाल आयोग को गठित किया था हेनरी कैम्बल के अंडर में। ओके, हेनरी कैम्बल के अंडर में एक अकाल आयोग का गठन होता है। एम्फेसिस वॉज लेट डाउन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो दैट द रिलीफ रीचेस इन टाइम। और ये इसलिए था ताकि ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए ताकि समय रहते जो ज़रूरतमंद है उनको सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। अदर इवेंट्स ड्यूरिंग लॉर्ड लॉरेंस टाइम। अब देखिए, ये जो चीज़ें थी आपने अभी तक पढ़ लिया कि लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी।
अब ये क्या है कि अदर सर्वेंट इवेंट्स ड्यूरिंग लॉर्ड लॉरेंस टाइम। सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम स्टार्टेड इन 1865 बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाया पर्शियन गल्फ। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये न्यूज़ के लिए, ये टेक्निक जो है इसके ग्रोथ को दिखा रहा है कि सबमरीन टेलीग्राफी जो थी, टेलीग्राफी सिस्टम, वो स्टार्ट की जाती है। ओके, एंड ये कब हुआ था इंडिया में, इंडिया और यूरोप के बीच में, 1865 में। ओके, दूसरा द पंजाब एंड ऑल टेनेंसी एक्ट वर पास्ड इन 1868। ठीक है, जो नागरिकता अधिनियम जो था पंजाब और अवध में जो लोग रहते हैं, वो अधिनियम भी पास हुआ था इन्हीं के समय में 1868 में। सर जॉन लॉरेंस रिटायर्ड इन जनवरी 1869 एंड उनको सक्सीड कौन करता है, इनको सक्सीड करते हैं लॉर्ड मेयो। सक्सीड मीन्स कि इनके बाद जो वायसराय बनकर आते हैं वो लॉर्ड मेयो थे 1869 में। ओके, सो यू हैव डन विद योर दिस चैप्टर, ख़त्म होता है यहाँ चैप्टर आपका। तो इसमें जो पॉइंट्स बनते हैं इनको आप लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो आपके मेयो टू नॉर्थब्रुक, जो कैनिंग से नॉर्थब्रुक तक, मतलब कैनिंग और नॉर्थब्रुक की जो विदेश नीति होती है इस पे हम चर्चा करेंगे, इसमें हम फोकस करेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो के हेल्प से आप अच्छा सा नोट तैयार करें, एंड देन जो क्वेश्चंस आपको रिलेटेड वीडियो के साथ, जो रिलेटेड आपको असाइनमेंट में मिलते हैं वीडियोस देखकर, उस असाइनमेंट को आप ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ डन, एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।